दोस्तों रिसेंटली मैंने मीशो से एक सेल्फी स्टिक परचेज़ की थी। ये मुझे अराउंड 250 की पड़ी थी और जो नॉर्मल सेल्फी स्टिक होती है तो थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी एडवांस है। तो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं क्या क्या फीचर हमको ये प्रोवाइड करता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाका लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ये रही मैं सेल्फी स्टिक, आपको साइज देखने को मिल रहा है, काफ़ी छोटा है। इसका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ है। इसे भाई ओपन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप अपने फ़ोन को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने फ़ोन को इजीली अटैच कर सकते हो। ये फ़ोन होल्डर यहाँ पे दिया गया है और ये मूव भी हो जाता है। किसी भी एंगल पे आप इसको मूव कर सकते हो। साथ में इसकी लेंथ अगर देखते एक बार तो इतना ये ओपन हो जाता है। साइज़ थोड़ा छोटा ही है पर काफ़ी सही है सेल्फी के लिए। तो और एक बार फ़ोन को इसमें अटैच कर लेते हैं। फ़ोन को अटैच करना काफ़ी सिंपल, इसमें आपको यहाँ पे फ़ोन को अटैच करना होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये फ़ोन लेंगे हम और इसको ऐसे करके इसको सिंपली ऐसे ऊपर करना थोड़ा सा और ऐसे ये फ़ोन है अटैच हो जाएगा। मिरेकल। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ। तो ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है, इससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो और इसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक सेल्फी क्लिक हो जाएगी। यानी ये सिंपली फ़ोटो क्लिक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो एक बार फ़ोन से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसको कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है, आपको सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करना है थोड़ा सा। इसमें एक लाइट ब्लिंक होगी, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अपने डिवाइस में आपको ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और आपके डिवाइस में ये सेल्फी नाम से शो होगा, आपको सिंपली उसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। अगर आप सिंपली इसको कैमरा ओपन करोगे इस बार, तो मैंने कैमरे को ओपन किया है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फ़ोटो जो है वो क्लिक हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है, आप दूर से भी इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करना है इस पर ऐसे, और यहाँ से एक फ़ोटो जो है वो क्लिक हो जाएगी। ये वीडियो मोड में भी काम करता है। अगर आप वीडियो मोड अनेबल कर देते हो तो इसको क्लिक करने से जो आपकी वीडियो है वो शूट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसको दोबारा अगर आप क्लिक करोगे तो वीडियो जो है वो पॉज हो जाएगी। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर है। इसके साथ जो ये सेल्फी स्टिक है ये स्टैंड की तरह भी वर्क करती है। नीचे से ये ओपन हो जाता है, वो दिखाता हूँ मैं, ऐसे ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर आप इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपली जो है ये खड़ा हो जाता है ऐसे, और आप सामने की वीडियो इसे शूट कर सकते हो। अगर आपको लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए आपको सिंपली इसको ऊपर कर सकते हो ऐसे, आप सामने बैठ के वीडियो भी शूट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप दूर बैठे हो, मान लीजिए आपको कैमरा थोड़ा दूर है और आपको वीडियो शूट करनी है, सिंपली आपको करना क्या होगा, ऐसे आपको बस इसको अटैच कर लेना और ये जो है बटन इसको आपको अपने पास रखना है। और जैसे आप दूर से वीडियो शूट करोगे तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पे इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाएगी। दोबारा क्लिक करते हैं और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। और सिंपली जो ये बैटरी से चलता है आपको दिखा देता हूँ, इसके पीछे एक बैटरी लगी हुई है। ये अराउंड 2 से 3 मंथ आराम से चल जाएगी अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं करोगे, लॉन्ग टाइम में यूज़ करोगे, तो अराउंड 6 मंथ ये आराम से चल जाएगी। और ये अराउंड आपको ये बैटरी जो है 20 रुपीज़ में देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ तो 20 रुपीज़ में मिलती है, बाकी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्राइस इसका रहता है। और इसकी जो ग्रिप है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये जो फ़ोन है मेरा वो थोड़ा हैवी है तो इसकी ग्रिप अच्छे से बन नहीं पाती है, लेकिन अगर आपका फ़ोन थोड़ा लाइट है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो और इसको पैक करना काफ़ी सिंपल है। लेंथ से ओपन करेंगे इसकी पूरी और थोड़ा सा आप यहाँ से इसको आप ऐसे मोड़ भी सकते हो, जैसे मैंने ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, या फिर इसको मैं आगे पीछे ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे मूव करके सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और पूरी लेंथ उसको ओपन कर लेते हैं। एक बार पूरी लेंथ इसकी ये है और यहाँ पर जाना है, और आपको बार बार उस पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हैंड में ये रहेगा और सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है और जो सेल्फी आपकी है वो क्लिक हो जाएगी। काफ़ी बेहतरीन है, देखो कितनी बार आप क्लिक करोगे सेल्फी आपकी क्लिक हो जाएगी, आपको बार बार फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन मुझको यही लगा और इजीली ये कनेक्ट भी हो जाता है काफ़ी। और अगर आपको इसको ऑफ़ करना है, सिंपली आपको करना क्या है, इसको दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखना है ऐसे सिंपली। अगर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस करने से दोबारा ये ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। साथ में ये स्टैंड की तरह भी वर्क करता है, तो आप फ्रंट की वीडियो अगर आप टिकटॉक वीडियो शूट करते हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो शूट करते हो तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, आपको सिंपली इसको ऐसे मूव कर देना है। ये ऐसे ही मूव हो जाता है, ऐसे मूव करने के बाद अपने फ़ोन को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में इसमें अटैच कर देना है। तो इसको अटैच करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए अपने फ़ोन को आपको ऐसे अटैच कर लेना है। इसके बाद इसको ओपन करते हैं नीचे से,
तो ऐसे आप इसको रख सकते हो। तो आप स्टैंडिंग वीडियोस जो है उसको भी ऐसे बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है। जो सरफेस है थोड़ी प्लेन होनी चाहिए, अगर सरफेस प्लेन नहीं होगी तो ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सरफेस होगी थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए तभी ये खड़ा हो सकता है। अगर आपको थोड़ा मूव करना है ऐसे ऊपर नीचे तो आप ऐसे मूव कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो है वो हैवी फोन्स के लिए नहीं है। मेरा फ़ोन कई बार गिर भी चुका है इसमें से, क्योंकि थोड़ा हैवी फ़ोन है मेरा और इसका वेट जिसका ये साइज़ थोड़ा कम है। अगर आपका फ़ोन थोड़ा लाइट वेट है तो इजीली काम चल जाएगा आपका, लेकिन अगर हैवी है तो आपको थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ेगा। ज़्यादा मूवमेंट आप इसमें नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक जगह देखो फिट कर दिया है फ़ोन को तो आपको वैसे ही इसको रखना पड़ेगा। ज़्यादा मूव करोगे तो फ़ोन जो आपका गिर जाएगा। बाकी ओवरऑल इसकी क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है और इजीली ये पैक भी हो जाता है। इसका साइज़ देखो, आप कहीं भी इसको इजीली ले जा सकते हो, काफ़ी छोटे साइज़ का है। आपको सिंपली ऐसे ओपन करना है और ये आपकी सेल्फी स्टिक तैयार हो जाएगी। और बंद करना भी काफ़ी सिंपल, आपको सिंपली ऐसे करके दोबारा से कर देना है और ये हो गई आपकी सेल्फी स्टिक बंद। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो इसका जो लिंक है पूरा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने मीशो से परचेज़ किया था, 250 रुपीज़ का था, डिस्काउंट लगा के मुझे 250 का पड़ा है। बाकी इसका ओरिजिनल प्राइस है 290 के आसपास का है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।